ये है दिल्ली दर्पण। कैनेटिक जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है इसमें बैटरी की वारंटी भी कंपनी की तरफ से 3 साल की मिल रही है। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो ऐसे में विकल्प तलाशा जा रहा है कि क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो पेट्रोल की कीमत है उसमें जल्दी से राहत मिलने वाली नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण भी ज़्यादा है, तो इन दो जो मुसीबतें हैं, चाहे पेट्रोल की कीमतें हों या फिर प्रदूषण हो, उसके लिए विकल्प रहता है कि इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली सरकार भी जोर दे रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो स्कूटर हो चाहे वो कार हो, सब्सिडी भी दी जा रही है। ऐसे में हम यहाँ पहुँचे हैं फ्रेंड्स ग्रीन टेक, जहाँ आज इसकी शुभारंभ हुई है, उद्घाटन हुआ है। मेरे साथ इसके ऑनर हैं हेमंत सूद जी, उनसे बातचीत करते हैं कि कितना सुरक्षित यह विकल्प है और कितना जो है इकोनॉमिकल ये विकल्प है अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर ई रिक्शा को हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको बधाई हो आज के इनॉग्रेशन के लिए। हाँ जी, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल जैसे पर्यावरण बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है, पर्यावरण की सुरक्षा, ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सब जगह पे इसी की बात हो रही है। और जैसे पेट्रोल से हम सब देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ व्हीकल्स उससे कितना पोल्यूशन होता है, भारत सरकार का बहुत जोर है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने फ्रेंड्स ग्रीन टेक LLP में ये फैसला लिया कि हम अपनी तरफ से जो भी कुछ कर पाएंगे इसमें ज़रूर अपना सहयोग देंगे। और हमने ये डीलरशिप कैनेटिक के साथ में मिलके खोली है यहाँ पर रोहिणी में, एक हमारी डीलरशिप द्वारका में भी है, जिसके माध्यम से हम लोगों तक ये इलेक्ट्रिक के वाहन पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन एक तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करती है, सबसे बड़ी बात, और दूसरी बात, भारत इलेक्ट्रिसिटी में एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूसिंग देश है, जो कि निर्यात भी करता है। पेट्रोल तो यहाँ पर आयात होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ से भूटान में, नेपाल में, बांग्लादेश में और हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर निर्यात भी किया जाता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सरप्लस है इंडिया में, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि हमारी जनता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करे और हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लाएँ। देखिए, जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर मैं हूँ, ये खूबसूरत भी है और कम्फर्टेबल भी है, और इसकी स्पीड भी अच्छी बताई जाती है, और बैटरी बैकअप इसका अच्छा भी रहता है, और दिल्ली वासियों के लिए स्पेशल मतलब कि एक विकल्प है, ऑप्शन है कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑफिस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और भी फीचर्स के बारे में जानते हैं और क्या क्या फीचर है। ये स्कूटर है, इसके साथ काइनेटिक के यहाँ पे ई रिक्शा भी है, और भी जो वाहन जो बिजली में यूज़ हो सकते हैं वो हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफ आप मेरे को बताएं इसके बारे में। इस स्कूटर के बारे में ब्रीफ करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा पंकज शर्मा जी को, जो कि काइनेटिक के हमारे एरिया मैनेजर हैं, और ई स्कूटर्स के बारे में ये सबसे उत्तम तरीके से आपको बता सकते हैं। पंकज, ठीक है, तो हमारे साथ पंकज जी हैं, और पंकज जी थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि कितना कंफर्टेबल ये स्कूटर्स हैं आज के टाइम, क्योंकि 12 साल पहले भी जो ई स्कूटी आई थी बट वो अपने आप में सक्सेस नहीं हो पाई थी, आज में ऐसी क्या खासियत है जिसको आप सक्सेसफुल मान रहे हैं कि? सबसे पहले सर काइनेटिक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम काइनेटिक की बात करें, काइनेटिक के DNA में ही स्कूटर है। काइनेटिक एक 50-year-old कंपनी है, 50 सालों से हम लोग स्कूटर मार्केट में उतार रहे हैं, एंड अभी रिसेंटली इसी साल हमने जो पूरा का पूरा अपना आइस वाला सेगमेंट है, यानी कि पेट्रोल वाला, उसको कन्वर्ट किया है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक में। अब सर इलेक्ट्रिक की बात करें, हमारे पास अभी हमारे पोर्टफोलियो में 2 मॉडल्स हैं, एक जिंग आता है, एक हमारा जूम आता है, एंड 2 इनके हमारे बिग बैटरी वेरियंट आते हैं। अगर सर जैसे आपने बात की पहले सक्सेस नहीं हो पाया था, आज के टाइम की अगर हम देखें तो सर ये टाइम की नीड है। अभी डे बाई डे जैसे पेट्रोल की जो प्राइसेज हैं वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं, एक आम आदमी के लिए क्या, अगर एक अच्छे क्लास का भी पर्सन है उसके लिए भी डेली पेट्रोल फिल कराना बहुत कॉस्टली बढ़ता है। तो उसका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो आज के टाइम पे रहता है वो रहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। ना सिर्फ ये कॉस्ट एफिशिएंट है, इसके अलावा ये आपका पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन नहीं देता, इसमें कोई नॉइस नहीं होता, तो एनवायरनमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा, दिखाऊँगा कि ये जो कलर डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल है, और ये शायद 2 मॉडल्स हैं यहाँ पर। यस, ये हमारे सर 2 मॉडल हैं, ये जूम का ही वेरिएंट है, ये जूम का हमारा फंटील कलर आता है, ये जूम में हमारा मैट ब्लैक में आता है, एंड एक इसका ये वाला मॉडल है हमारा जिंग।
इसके अंदर क्या रहता है सर, हम लोगों ने लिथियम आयन बैटरी यूज़ की है जो कि 3 से 4 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है एंड वन चार्जिंग में आपको अप टू 100 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती है। इसके अंदर 3 मोड्स हम इसमें प्रोवाइड करते हैं एंड यहाँ पर अगर हम टायर की बात करें, हमने ट्यूबलेस टायर दिए हुए हैं C8 के, डुअल हमने डिस्क ब्रेक यहाँ पर दिया हुआ है। सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें, हमने यहाँ पर सिक्योरिटी के लाइक सेम हमारी जो की आती है, सेम कार की टाइप हमारी की आती है, इसके अंदर हमने एंटी थेफ्ट अलार्म दिया हुआ है। अगर आपका सिक्योरिटी कंसर्न भी है बाहर, अगर आपका स्कूटर खड़ा वगैरह भी है तो भी आप उसको लॉक करके रखिए, कोई भी टच करेगा या उसको मूवमेंट करने की कोशिश करेगा लॉक उसमें अलार्म आपका बीप करता है। बैटरी की बात करते हैं, जो बैटरी है स्ट्रेचेबल बैटरी रहती है, इन केस कोई ऑफिस वगैरह डेली यूज़ के लिए रखते हैं या किसी का अगर घर रहता है जैसे सिस्टम है सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, पार्किंग का अगर चार्जिंग का कोई इशू नहीं रहता उसके अंदर रख सकते हैं इसको। बैटरी है, डिटेचेबल है, आप सिंपल इसकी बैटरी निकालिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। निकाल के दिखाएंगे मेरे को एक बार, ठीक है। ये तो एक प्लस पॉइंट है इसका कि अगर कहें कि बैटरी जो है वो डिटैच हो सकती है, क्योंकि अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो आप उसको डिटैच कर सकते हैं। ये पंकज जी हमें निकाल के भी दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ ये सर, यहाँ से इसकी बैटरी डिटैच हो जाती है। यहाँ ये इसका कुछ सामान है, मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग ये इसका कनेक्टर देते हैं, लाइक आपको घर में अगर अपने फ्लोर पे चार्ज करना है तो यहाँ पर कनेक्टर के थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं, कनेक्ट हो जाता है। यहाँ सर ये यहाँ से इसकी जो बैटरी होती है वो सेपरेट हो जाती है। मैं ये दिखाऊंगा कि पावर प्लग इसका जो नॉर्मल है वो घर ये नॉर्मल है, जो नॉर्मली हमारे घर के अंदर पावर प्लग रहता है वही आप लगा सकते हैं, कोई सेपरेट नहीं चाहिए। एंड यहाँ से सर ये इसका सिंपल ये हुक रहता है, आप इसको यहाँ से सेपरेट कीजिए। सेपरेट करने के बाद ये यहाँ पर हमने हुक दिया हुआ है, सिंपल अपनी बैटरी को रिमूव कीजिए एंड जहाँ पर भी आपको चार्ज करना है वहाँ ले जाकर आप इसको चार्ज कर सकते हैं। कितने घंटे में चार्ज हो सर? ये लेता है अप टू 3 to 4 hours। 3 घंटे अगर मान के चले, 3 या 4 घंटे में, 4 घंटे में। कितना किलोमीटर ये वन चार्जिंग के अंदर आपको माइलेज देता है? अप टू 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं। यस, यानी कि अगर एक बार आप चार्ज कर सकते कर लेंगे तो दिल्ली के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आप जा सकते हैं, इतनी ये पावर। बिल्कुल। कोस्टिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो इसकी कोस्टिंग आती है अगर हम पेट्रोल से कंपैरिजन करते हैं, पेट्रोल का आज की डेट में दिल्ली में अगर हम प्राइस देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट 102 रुपये का प्राइस है, बट यहीं पर अगर हम इसकी कोस्टिंग की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका अप्रोक्सीमेट 1.5 यूनिट पूरा कंज्यूम करता है, जिसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें सिर्फ 10 रुपये में आप 100 किलोमीटर तक यहाँ पर चला सकते हैं इसको, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए भी देखते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपकी डेली की राइड इसमें रहती है अगर आप इसमें डेली 100 किलोमीटर चलाते हैं कंपेयर 200 रुपये सेव करते हैं, और 200 को अगर आप इंटू करते हैं 365 से, तो एक साल के अंदर पूरी की पूरी आपकी जो उसकी कॉस्ट होती है वो कवर हो जाती है एंड नेक्स्ट टाइम से आपका सारा का सारा पैसा आपका सेव होता है। सर जीरो मेंटेनेंस है, कोई इसमें इंजन यूज़ नहीं होता, यहाँ पर सिंपल इसकी मोटर रहती है, बैटरी रहती है, तो इसके अंदर मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं है, मेंटेनेंस फ्री गाड़ी रहती है, पोल्यूशन फ्री है, कोई नॉइस नहीं होता, कोई साउंड नहीं होता, इसके अंदर कोई पोल्यूशन नहीं होता इसमें, तो जीरो एमिशन है, ये एनवायरनमेंट के लिए भी हमारा सेफ रहती है। मैं हेमंत जी से कहूँगा, हेमंत जी और क्या क्या फॉर्मेट है यहाँ पर आपके पास? मैं चाहूँगा पहले हमारे यहाँ पर एक कस्टमर आए हुए हैं रोहन जी, उनसे आप ज़रूर मिलें और पूछें कि वो क्यों लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल और उनको काइनेटिक क्यों पसंद आई। रोहन जी ठीक है, यहाँ पे कुछ कस्टमर्स भी हैं जो मतलब आज यहाँ की इनॉग्रेशन है लेकिन कस्टमर्स यहाँ पर सुबह से हैं और यंग कस्टमर हैं, यूथ हैं, कैसे पसंद आई? क्योंकि यूथ को तो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें पसंद आती है। मैं आया था तो सबसे पहले देखते ही मेरा मन इस स्कूटी में बैठ गया, यहाँ भी ये स्कूटी मेरे को लेनी है। बाकी C8 के टायर है, कंफर्टेबल है, मतलब कि कलर भी इसके अच्छे हैं और मेरे को क्या चीज़ जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की आपको? बाकी क्या C8 के टायर है, 10 साल पुरानी कंपनी है और इतनी मतलब कि कंफर्टेबल है सीट कि मतलब आराम से चलती है, लाइट वेट है और फीचर्स है और एक बार चार्ज करने पे 70 किलोमीटर से 75 किलोमीटर की स्पीड देती है, तो काफ़ी बेस्ट लगी मेरे को। ये यूज़ करेंगे आप? हाँ यही यूज़ करूँगा, तो बाकी देखने में पसंद आ गई तो उससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हो? इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है कि एक बार देखने में ये पसंद आ जाएगी। इसकी लुक जो है बहुत शानदार बनाई गई है, कलर्स भी अच्छे हैं और हल्की स्कूटीज़ हैं, आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फैमिली का कोई भी मेंबर इसको चला सकता है। और क्या क्या अवेलेबल है? और मैं आपको लेके चलना चाहूँगा 3-व्हीलर सेगमेंट में, हमारे इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स बहुत बड़ी रेंज है इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स की, ई रिक्शा से लेके ई लोडर्स तक, और ई लोडर्स में भी L3 और L5 कैटेगरी दोनों प्रकार के लोडर्स उपलब्ध हैं हमारे पास में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा ऑटो शेप में ई रिक्शा है, जैसा कि बजाज का बहुत पॉपुलर हुआ करता था, ये काइनेटिक का ई ऑटो है जिसको कि हम सफ़र स्मार्ट बोलते हैं। सफ़र स्मार्ट इसलिए क्योंकि इसकी लुक्स आप देखेंगे, आगे से देखिए, पीछे से देखिए, साइड से देखिए, एक बहुत ही स्मार्ट लुक दिया गया है इसमें।
और इसमें जो आज आप ई रिक्शा मार्केट में देखेंगे उससे बहुत ही अलग और उम्दा फीचर्स हैं। इसमें दो आगे हेडलाइट्स दी गई हैं जिससे कि आगे ऐसे आने वाली गाड़ी को साफ नज़र आए कि सामने गाड़ी आ रही है और एक्सीडेंट होने का खतरा ना रहे। वाइपर दिया गया है और लिथियम आयन बैटरी है। इसकी जो माइलेज है वो करीब 70 से लेके 110 किलोमीटर तक की माइलेज दे देती है गाड़ी, जो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। और लिथियम आयन बैटरी है तो आप इसको इजीली चार्ज कर सकते हैं, 2-2.5 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है 0 से लेके। बाकी इसके बारे में मेरे साथी हैं सुरेंद्र बिश जी जो कंपनी से हैं, ये आपको सुरेंद्र जी हैं जो खुद काइनेटिक कंपनी से हैं, आज इनॉग्रेशन के डे पे यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे जानेंगे। बाकी मैं एक बार दिखाऊंगा कि अगर ये स्कूटर आप देखें तो आपको शायद सुरेंद्र जी थाईलैंड में जो टुक टुक चलते हैं वो याद आ जाएंगे, बिल्कुल इसी शेप में है। मैं काइनेटिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। काइनेटिक 50 साल पुरानी कंपनी है और 2015 से बैटरी ऑपरेटेड ई ऑटो लेके आई हुई है मार्केट में। काइनेटिक की गाड़ियों के एडवांटेज ये कि एक तो स्टील बॉडी के साथ हैं और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन करने के लिए इसके अंदर काफ़ी अच्छी सब्सिडियां दे रही हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इस गाड़ी के ऊपर 41,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी 30,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी बढ़ावा देने के लिए लगातार RC जो रेशन चार्ज वगैरह लगता है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है। तो मैं भी आम आदमी को आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बैटरी का एक जो गाड़ी है ये लिथियम आयन बैटरी वाली गाड़ी है, जो इसके अंदर हमने ओकाया कंपनी की बैटरी यूज़ करी है जिसके 10,000 से ज़्यादा सर्विस सेंटर वगैरह भी हैं। और ये जो गाड़ी है ये 4+1 पैसेंजर के लिए अप्रूव्ड है। इस गाड़ी के अंदर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि गाड़ी के अंदर हमने स्पेस काफ़ी अच्छा दिया है, लेग स्पेस वगैरह की अगर आप फैसिलिटी की बात करोगे, स्पेशल ग्रेडियंस गियर की हमने फैसिलिटी दी हुई है। अगर आप यहाँ पर ग्रेडियंस गियर की बात करोगे गाड़ी के अंदर, तो हमने जो गाड़ी की एडवांटेज दी है वो काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हैं। और आम आदमी को मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल यूज़ करें। काइनेटिक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल में इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, इलेक्ट्रिक ई ऑटो, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक बस वगैरह बना रही है और एक ही छत के नीचे सारी की सारी रेंज काइनेटिक के शोरूम के अंदर मिल रही है। अभी जस्ट रोहिणी में भी हमारा शोरूम खुल गया है तो और इसमें कंपनी की तरफ से भी कस्टमर केयर वगैरह की फैसिलिटी दी गई है कि कस्टमर को फास्ट सर्विस देने के लिए हमने कस्टमर केयर की सुविधा दी गई है। हमारी वर्कशॉप की फैसिलिटी दी गई है जहाँ पर सर्विस वगैरह की काफ़ी अच्छी है। कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छा स्टाफ है। हमारे जो चैनल पार्टनर हैं, जो ऑथोराइज डीलर हैं, उनके पास भी प्रॉपर स्टाफ है और बैंक वगैरह से प्राइवेट फाइनेंस से काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है। तो आम आदमी को मैं यही आम आदमी तक यही संदेश देना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी ऑपरेटेड ई ऑटो लें और काइनेटिक के ऊपर भरोसा जताएं। ये बहुत पुरानी कंपनी है, 50 साल पुरानी कंपनी है और काइनेटिक हमेशा आपको एक अच्छी सर्विस देती रहेगी। देखिए यहाँ पर सुरेंद्र जी ने बड़ी सही बात कही कि आपको विश्वास जताना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, आपको कर रही है, प्रोत्साहन कर रही है कि आप इलेक्ट्रिक की तरफ फॉरवर्ड करें। चार्जिंग स्टेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं, गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं, तो क्यों ना अपनी जेब को बचाया जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ा जाए। अब ये जो है ई रिक्शा की तरह से यूज़ किया जा सकता है और यहाँ पर लोडिंग भी है, लोडिंग रिक्शा भी है, जिसमें कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहे तो व्यवसाय भी शुरू कर सकता है। हालांकि पहले बहुत मजबूत नहीं माने जाते थे लेकिन अब मजबूती के साथ ही आने लगे हैं, तो इसमें आप लोडिंग का काम भी कर सकते हो। कितना लोड ये सह सकते हैं? सर ये जो गाड़ी है ये 400 kg के लिए अप्रूव्ड है और इसकी जो स्पीड है वो 25 की रहेगी। लिथियम आयन बैटरी से ऑपरेटेड गाड़ी है और एक बार चार्ज करोगे तो 80 से 100 किलोमीटर चलेगी। 3 घंटे के अंदर बैटरी चार्ज हो रही है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि 3 साल की वारंटी है बैटरी की और 5 साल की लाइफ है। 5 साल तक कोई भी खर्चा नहीं है गाड़ी के अंदर, टोटली मेंटेनेंस फ्री है। और हमारे पास एक काइनेटिक की हाई स्पीड ऑटो भी है जंबो, अगर हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर जो ये हमारी गाड़ी है येलो कलर में। और ये जो गाड़ी है ये हमारी 50 की स्पीड में गाड़ी चलती है और 500 किलो के लिए ये गाड़ी अप्रूव्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इस गाड़ी के ऊपर 72,000 से 80,000 रुपये तक की सब्सिडी है। दिल्ली गवर्नमेंट की सब्सिडी है 30,000 रुपये तक की। तो आम आदमी को यही संदेश देना चाह रहा हूँ आपके चैनल माध्यम से कि अगर आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाह रहे हो तो बैटरी ऑपरेटेड ई ऑटो काइनेटिक के सफ़र जंबो के नाम से जो गाड़ी हमारी है वो आ रही है, वो आप यूज़ करें। 500 किलो के लिए अप्रूव्ड है और इसमें ग्रेडियंस गियर की फैसिलिटी है। 25, 35, 45, 50 की गियर की फैसिलिटी भी दी गई है, तो जिसमें बैटरी गारंटी 3 साल की है, लाइफ 5 साल की है और 3 से 4 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो रही है। खूबियाँ बहुत सारी हैं और
इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप पेट्रोल का खर्चा बचाना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब तो गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं और यहाँ पे स्कूटर भी आप देख सकते हो कि वो अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं आपके पास, और ई रिक्शा भी हैं, लोडिंग कार भी हैं। और यहाँ पे काइनेटिक जो फ्रेंड्स ग्रीन टेक, यहाँ पर ये मेन रोड पे कंझावला रोड है, बुद्ध विहार हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे आप जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बीच में ये शोरूम पड़ेगा। आप कभी भी आइए, यहाँ पर आपको हेमंत जी मिलेंगे और पूरा स्टाफ यहाँ पर मिलेगा, और फाइनेंस की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर दी जा रही है। तो फ्रेंड्स ग्रीन टेक में आप लोग भी आइएगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यहाँ पर भरमार है, और आप जोर देखें, यूज़ कीजिए, क्योंकि आने वाला भविष्य अब इलेक्ट्रिक ही होने वाला है। यहाँ पर ये भाई साहब मिलेंगे आपको समझाने के लिए। क्या नाम आपका? दिलीप कुमार ध्रुव। दिलीप कुमार, तो आप रहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल सर। एक चीज़ और बता दीजिए कस्टमर्स को कि फाइनेंस की क्या क्या सुविधा है, अगर फाइनेंस को करवाना चाहता है तो उसको क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से होगा? सर, फाइनेंस के लिए बस आपको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक बिजली का बिल, और अगर रेंट पे है तो रेंट का एग्रीमेंट आपका लगेगा, और एक चेक की कॉपी लगेगी। तो बस ये 4 to 5 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके चेक के लिए। सिंगल डे पे हो जाएगा ये? हाँ, सेम डे पे आपको हो जाएगा फाइनेंस। हाँ जी सर। यहाँ पे ये ऑनर हैं हेमंत सूद जी, यहाँ पे ये भी मिलेंगे। तो हमारी आपसे भी ये गुजारिश है कि व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जुड़ जाएं, इस्तेमाल करें, आपके पेट्रोल का खर्चा ही बचेगा, आपकी जेब पे भी जो है वो बोझ कम रहेगा, और प्रदूषण जो है वो भी कम होगा देश से। मैं कैमरामैन लोकेश के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर